कृषि सेक्टर इंडेक्स को समझने की भी जरूरत है, क्योंकि हमने स्टॉक एक्सचेंजेस के इंडेक्सेस को देखा है और उसका परफॉर्मेंस भी देखा है और दुनिया देख भी रही है आज। उसी तरीके से जो कमोडिटी के अंदर में सेक्टरल इंडेक्स की जरूरत दिखाई थी और उसमें जिस तरीके का इनिशिएटिव एक्सचेंजेस ने लिया है वो काबिले तारीफ है। मैं चाहूंगा कि एनसीडीएक्स के ऊपर पे जो सेक्टरल इंडेक्सेस है, सबसे पहले हम उसको समझें कि आखिर आज का जो विजन और आने वाले समय में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा और एनसीडीएक्स का इसमें क्या अहम होने वाला है। सबसे पहले अरुण यादव जी, आपके मैं कमेंट लेना चाहूंगा ताकि जो हमारे लिसनर्स जो व्यूअर्स हैं वो इस बात को समझ लें कि इस इंडेक्स का मतलब क्या है और ये इंडेक्स कमोडिटी ट्रेड है क्या। अरुण जी, पैनल आपके पास। धन्यवाद सुरेश जी और सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ मैं एनसीडीएक्स की तरफ से इस वेबिनार के अंदर। और मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूंगा कि कमोडिटी बाजार जो हिंदुस्तान में जो शुरू हुए, वायदा कारोबार जो शुरू हुआ वो लगभग 18 साल पहले शुरू हुआ था, 2003-2004 के आसपास। और यदि हम देखें उस समय से हमने देखा है कि एग्रीकल्चर में, नॉन एग्रीकल्चर में काफी सारी कमोडिटीज, एनर्जी में बहुत सारी कमोडिटीज के अंदर वायदा व्यापार की परमिशन जो है उस समय रेगुलेटर एफएमसी थे, अभी सेबी है, उन्होंने दी। और अलग अलग कमोडिटीज लगभग 50 अलग अलग कमोडिटी जो है इस दौरान ट्रेड करने के लिए उपलब्ध रही। लेकिन यदि हम कंपेयर करें इक्विटी बाजार से तो हमने ये देखा कि इक्विटी बाजारों के अंदर यदि हम देखते हैं तो एक काफी बड़ा जो वॉल्यूम है, और मैं कहूंगा कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो हमने देखा कि वो आता है आपका इंडेक्स से। यदि हम अगर हम नंबर में बात करें तो लगभग इक्विटी बाजार के अंदर या शेयर बाजार के अंदर लगभग जितना वायदे में कारोबार होता है उसका 30% जो है वो आपका इंडेक्स से आता है। और वहीं अगर मैं ऑप्शंस की ट्रेड की बात करूं तो लगभग 80% जो कारोबार ऑप्शंस में होता है वो इंडेक्स से आता है। और हम सब जब भी हम अगर इक्विटी बाजार के विषय में बात करते हैं या सोचते हैं या किसी से चर्चा करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं देखिए सेंसेक्स इतना हो गया, निफ्टी इतना हो गया या बैंक निफ्टी इतना हो गया, तो वो एक बेंचमार्क बन गया है, उस सेक्टर को वो दर्शाता है या उस इंडस्ट्री को वो दर्शाता है। तो उस प्रकार के बेंचमार्क जो है कमोडिटीज बाजार में नहीं थे। और अगर अभी तक के हम पार्टिसिपेशन पैटर्न को देखें पिछले 15-18 सालों में तो हम ये पाएंगे कि ज्यादातर एग्रीकल्चर कमोडिटीज के अंदर मुख्यतः वो लोग पार्टिसिपेट करते थे जो उस कमोडिटी से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए थे, यानी कि जिसे हम वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट बोलते हैं। यानी अगर मैं ग्वार की बात करूँ तो ग्वार के जो प्रोसेसर होंगे, जो ट्रेडर होंगे, उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग होंगे जनरली वो ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे जो बाकी फाइनेंशियल साइड के लोग हैं, ये जिनको हम इंस्टीट्यूशनल प्लेयर कहते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो गया, ये जो रिटेल क्लाइंटेल होते हैं जो आप हमारे जैसे जो लोग हैं वो इतने ज्यादा कभी इस बाजार से बहुत ज्यादा कभी जुड़ नहीं पाए। उसके अलग अलग कारण रहे, काफी लोग जो है वो ये कहते थे कि डिलीवरी में ऐसी चीज है जिसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, अगर एग्रीकल्चर को बहुत ही मुझे डिलीवरी आ जाती है तो मुझे नहीं पता कि मैं 10 टन ग्वार या 10 टन चने को लेकर क्या करूंगा, मैं उसको कैसे कंज्यूम करूंगा, तो वो एक बड़ा कारण रहा। और काफी बार हमने देखा अलग अलग पैनल में अलग अलग जगहों पर ये मांग आई कि कैश सेटल्ड प्रोडक्ट होने चाहिए, इस तरीके की मांगे काफी बार लोगों की होती है कि कैश सेटल्ड होना चाहिए। पर एग्री में एक जो बहुत बड़ा जो 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 कारण था जिसकी वजह से कैश सेटल्ड प्रोडक्ट नहीं आ पाते थे वो ये था कि एग्रीकल्चर के जितने कॉन्ट्रैक्ट है लगभग सारे वो हमारे डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी उसके अंदर इंडिया जो है वो वर्ल्ड के लिए बेंचमार्क है। हम ग्वार की चर्चा कर रहे हैं तो ग्वार के अंदर भी हम देखेंगे कि केवल इंडिया में उसका ट्रेड होता है, चाहे कैस्टर हो गया, ग्वार हो गया, स्पाइसेस हो गया, तो वी आर द बेंचमार्क। तो आप किसी के रेफरेंस को लेके उसको सेटल नहीं कर सकते, जबकि आप एनर्जी में देखेंगे या आप अगर गोल्ड सिल्वर या प्रेशियस मेटल में देखेंगे तो आपके पास में एक रेफरेंस प्राइस है, इंटरनेशनल एक्सचेंज है, आप उसके भाव को रेफरेंस मान के अपने भाव को सेटल कर सकते हैं। तो क्योंकि वो मैकेनिज्म हमारे पास मौजूद नहीं था तो डिलीवरी होना काफी ज्यादा आवश्यक था। अब क्योंकि ये मैकेनिज्म हमारे पास नहीं था तो उससे एक और जो एग्री की जो ग्रोथ में जो एक रोक लगी वो ये थी कि अगर मेरे पास रेफरेंस प्राइस नहीं है तो मैं ट्रेड कैसे करूँ। अब नॉर्मली आदमी ट्रेड करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसे पता हो कि अभी इस समय किसी जगह पे भाव क्या चल रहा है। तो यही वजह रही कि जो लोग उस भाव को जानते थे उसके विषय में, फिजिकल बाजार के विषय में जिनको जानकारी थी वो लोग इस ट्रेड से जुड़े, और जो लोग उसके बारे में जानकारी नहीं जुटा पाते थे वो लोग इससे कहीं ना कहीं दूर रहे, तो वो कभी इसके साथ में उतना जुड़ नहीं पड़े। अब मैं आता हूँ जो हमने इंडेक्सेस लॉन्च किए उसके ऊपर। तो पिछले साल हमने
सेबी ने पिछले साल से, पिछले साल सेबी ने इंडेक्स लॉन्च करने की परमिशन सभी एक्सचेंजेस को दे दी कमोडिटीज के अंदर। उसके बाद में क्रम था कुछ इंडेक्सेस लॉन्च हुए, एक दूसरे एक्सचेंज ने कुछ इंडेक्सेस लॉन्च किए नॉन एग्री के ऊपर। हमने अपने एग्री के ऊपर एक इंडेक्स लॉन्च किया जिसे मैग्नेटेक्स कहते हैं, जो 10 कमोडिटीज का एक मिश्रण था, 10 कमोडिटीज जो टॉप ट्रेड कमोडिटीज है एनसीडीएक्स में, उनको मिला के एक इंडेक्स बनाया था। लेकिन हमने ये पाया कि उसके साथ साथ जैसा कि हम निफ्टी में भी देखते हैं कि निफ्टी है, फिर बैंक निफ्टी है, और फिर फार्मा के लिए एक अलग इंडेक्स है, तो हर चीज का सेक्टर का एक जो इंडेक्स है उसका एक अलग चाप होता है। तो हमने भी उस चीज को रियलाइज किया, और उसके बाद में हमने अभी दो सेक्टोरल इंडेक्स लॉन्च किए। अब ये सेक्टोरल इंडेक्स क्या है? सेक्टोर इंडेक्स बेसिकली एक ग्रुप ऑफ कमोडिटीज को मिला के किए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, आज हमारे पास ग्वारेक्स और सोएडेक्स, ये दो सेक्टोर इंडेक्स है। तो जब मैं ग्वारेक्स की अगर बात करूँ तो उसमें आपका लगभग लगभग 63% ग्वार सीड का भाग है, और 37% जो है वो ग्वार गम का भाग है। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग अगर मैं उसको क्वांटिटी में देखूं तो एक लोट ग्वारेक्स के अंदर 60 टन ग्वार सीड की खूबियां है और 3 टन ग्वार गम की खूबियां है। यानी उसके जो भाव का मूवमेंट होगा उसमें 60 टन जो ग्वार सीड है उसके जो भाव का, उसके भाव को मूवमेंट को वो कैप्चर करेगा, और 3 टन ग्वार गम के भाव को मूवमेंट को कैप्चर करेगा। अब ये 60 टन और 3 टन कैसे आया? ये आया है उन कमोडिटीज का कितना ट्रेड होता है एक्सचेंज पे उसका वैल्यू देख के, और उन कमोडिटीज का प्रोडक्शन क्या है उसको देख के। ये साल में एक बार रिवाइज होगा, जिसे रीबैलेंसिंग कहते हैं, साल में एक बार इसको रिवाइज किया जाएगा, तो पूरे साल के लिए फिक्स रहेगा। तो ये हो गया हमारा कंपोजिशन। बट एक आम आदमी को समझने के लिए समझना है कि अगर मुझे ग्वार के सेक्टर में एक्सपोजर लेना है तो मैं या तो ग्वार सीड ग्वार गम खरीद या बेच सकता हूँ, या मेरे पास एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जो जो जैसे हम ग्वारेक्स कहते हैं, जिसको अगर मैं खरीदूंगा बेचूंगा तो मुझे वही लगभग लगभग प्रॉफिट लॉस या उसी तरीके के ऑब्जेक्टिव मेरे फुलफिल हो जाएंगे जो मेरे ग्वार सीड या ग्वार गम को खरीदने बेचने से होने वाले। तो ये उनके लिए फायदा है। बट इससे जो और जो फायदे हैं वो ये है कि वो लोग जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेड में नहीं जाना चाहते थे अलग अलग वजहों से, उनका एक्सपोजर फिजिकल में नहीं, उन्हें नहीं पता कैसे डिस्पोज ऑफ करना है अगर डिलीवरी आ गई तो, वो लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कैश सेटल प्रोडक्ट है। तो वो जो अंडरलाइन कमोडिटी है ग्वार सीड ग्वार गम, उसके भाव को देख के इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो एक तो ये कैश सेटल्ड है तो इजी टू ट्रेड है, दूसरा क्योंकि इसके अंडरलाइन आपके ट्रेड होते रहते हैं, यानी ग्वार सीड ग्वार गम का जो वायदा है वो आपका सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक कंटिन्यूसली ट्रेड होगा। तो आप ये निकाल सकते हो कि इस समय ग्वार सीड का भाव क्या होना चाहिए, यानी कि आप अगर 0.7 मल्टीप्लाइड बाय ग्वार सीड का भाव और उसमें अगर 0.3 मल्टीप्लाइड बाय ग्वार गम का भाव अगर आप कर देते हो तो आपको ग्वारेक्स का भाव आ जाएगा। अब यदि आपको ये लगता है कि उस समय ग्वारेक्स का भाव इस भाव से, अंडरलाइन के भाव से ऊपर चल रहा है, तो शायद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ग्वारेक्स को बेच के अंडरलाइन को शायद ले सकते हैं, या इसका उल्टा कर सकते हैं। तो एक आपको आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी भी हर मोमेंट में दिन में देखने को मिलती रहेगी, बस आपको थोड़ी नजर गड़ा के रखना। तो ये इसकी मैं कहूंगा दूसरी खूबी है, पहली ये कैश सेटल्ड है, दूसरा इसके अंदर आपके पास में एक रेफरेंस प्राइस है जिसको आप यूज कर सकते हैं, और तीसरा ये एक सेक्टर को इंडिकेट करता है। तो आपको सेक्टर में अगर कोई भी एक्सपोजर लेना है तो आप इजीली इसके अंदर ले सकते हैं। और एक जो चौथी खूबी है इसकी वो ये है कि इसके जो मार्जिन है वो अंडरलाइन कमोडिटीज से कम है। उसके भी कारण है क्योंकि आप एक कैश सेटल्ड प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो बहुत सारे तरीके के जो मार्जिन होते हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो प्री डिलीवरी मार्जिन लगते हैं, प्री एक्सपायरी मार्जिन लगते हैं, इसके अलावा काफी मार्जिन लगते हैं, वो मार्जिन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो लगभग आप यू नो 1/3 से देखे आधे मार्जिन के अंदर यहाँ पे काम कर सकते हो, और सिमिलर एक्सपोजर आप ले सकते हो, जो एक्सपोजर या जो प्राइस एक्सपोजर आप अंडरलाइन में लेना चाहते हो वो एक्सपोजर आप ग्वारेक्स में ले सकते हो, कम मार्जिन देकर बिना डिलीवरी के रिस्क के, बिना डिलीवरी पे पड़े हुए और बिना रेफरेंस प्राइस, एक रेफरेंस प्राइस को देखते हुए आप डिसीजन दे सकते हो। तो ये कुछ खूबियां है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसी प्रकार से सोयाडेक्स है, सोयाडेक्स में बाकी सब चीजें सेम है, बस सोयाबीन और सोया ऑयल दो उसमें कमोडिटीज है। एक लोट ऑफ सोयाडेक्स के अंदर 60 टन मैं कहूंगा कि सोयाबीन है और 1 टन सोया ऑयल है। तो आप अगर सोयाडेक्स का एक लोट लेते हो उसका मतलब आपने एक तरीके से 60 टन सोयाबीन खरीदा है, 1 टन आप ऑयल खरीदा है, इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। तो इजी टू ट्रेड है, डिलीवरी का इशू नहीं है, मार्जिन कम है। तो ये कुछ इसके फायदे हैं जो जो अगर हम सेक्टर इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो हम इन फायदों को उठा सकते हैं। जो आपने एक्सप्लेन किया है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर के ऊपर इसका फायदा जो है वो ट्रेडर्स को मिलेगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम वाइज भी एक वो अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है यहाँ पर कम मार्जिन के बीच के अंदर में, और चूंकि एक इंडेक्स में फ्यूचर के बारे में भी उनको कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन यहाँ पर मिलेगा कि आगे इसका भविष्य क्या रहने वाला है, कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल रहेगा।